औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत सब्जी मंडी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नालागढ़ की सब्जी मंडी के पास एक कार व सामने से आ रहे ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को नालागढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन सिर में गहरी चोट लगने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क की दोनों ओर लगे जाम को खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी गई है। इस बारे में जब हमने मृतक के बेटे से बात की, उन्होंने कहा यह हादसा नालागढ़ की सब्जी मंडी लगने के कारण हुआ है, क्योंकि सब्जी मंडी लगने के कारण सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके कारण सड़क से गाड़ियां निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसी के चलते यह सड़क हादसा हुआ है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से सब्जी मंडी के लिए पहले गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग उठाई है, ताकि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो सके। एक्सीडेंट हुआ है तो आपके क्या लगते थे? मेरे फादर हैं, जी पिताजी हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? जी इसका कारण मेन रोड पर जो पार्किंग की सुविधा नहीं है, सब्जी मंडी लगना ठीक है, इससे पब्लिक को फायदा है, लेकिन जो ट्रैफिक का इंतजाम नहीं है, ट्रैफिक इसमें बाधा होती है पार्किंग करने के लिए, इसमें पार्किंग की भी जरूरत होनी चाहिए। यानी रोड पे गाड़ियां पार्क होने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ? रोड पे पार्किंग ना होने के कारण, हाँ जी, रोड पे गाड़ियों की भीड़ आ जाती है और इसमें इधर उधर से आने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो एक्सीडेंट का कारण आप क्या कहते हैं कि गाड़ियां पार्क हुई भी रोड पे, या क्या कहना आपका? ये मौके के अनुसार देखा जाए तो यही कारण लग रहा है, बहुत गाड़ियां खड़ी थी, यही कारण है जी। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक, दिन पर दिन ट्रैफिक इतनी यहाँ, जब भी मंडी लगती है तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, कोई उसका प्रॉपर सिस्टम है नहीं, कोई भी ना ही वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि स्लो स्पीड है या कुछ है, पूरी स्पीड में नेशनल हाईवे है, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जाती हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है, ये तो मतलब बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट बंदे की डेथ हुई है, तो 100% कारण जो है वो वहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क, बेढंग की जो पार्किंग है वही है, तो ये तो कुछ सोचना पड़ेगा। अभी आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, दोबारा फिर भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। अभी एक पेशेंट आया हरभजन सिंह, उम्र लगभग 67 साल, एक्सीडेंट केस है, हमारे पास काफ़ी और कोशिश काफ़ी हुई करने की, पर काफ़ी सीवियर, बहुत ज़्यादा हेड इंजरी फेस पे और हेड पे, नेशन न्यूज़ के लिए मोहम्मद रफी के साथ अजय रतन की खास रिपोर्ट।